नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव। स्वागत है आपका INN 24 में। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2 मार्च यानी बुधवार से हायर सेकेंडरी की परीक्षा आयोजित कर दी है। कक्षा 12 की परीक्षा सभी दिनों में सुबह 9:15 से दोपहर 12:15 तक एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। छात्रों को सुबह 9 बजे तक हर हाल में परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। क्वेश्चन पेपर सुबह 9:05 पर बांटे जाएंगे और छात्रों को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। छात्र सुबह 9:15 से सवालों के जवाब देना शुरू कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर साथ रखना होगा और एडमिट कार्ड पर बताए गए कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना भी आवश्यक है। छात्रों को परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते समय छात्रों की तलाशी ली जाएगी और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित वस्तुओं में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और हेडफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट शामिल हैं। आज परीक्षा अब समाप्त हो गई है। अब थोड़ी देर के पश्चात नगर की सीमा में आने वाले जो पुलिस थानों से संबद्ध केंद्र हैं, उनके जो भी केंद्राध्यक्ष हैं और निजी विद्यालयों के भी केंद्राध्यक्ष, वो आज से यहाँ समन्वय केंद्र में अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल ला करके जमा करेंगे और ज़िले भर के जो केंद्र हैं उनके उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल आगामी 21 मार्च और 31 मार्च इन 2 दिवसों में जमा होंगे। उसके पश्चात बंडल्स को माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशानुसार रायपुर भेजा जाएगा। और ऑफलाइन हुआ ना तो हम लोग को अच्छा भी हुआ, क्योंकि ना हम लोग का जो पेपर रिजल्ट है वो ना प्रमोशन के वजह से बेकार हो जाता, क्योंकि हम लोग को जब कॉलेज में जाएंगे तो वो बेकार हो जाता। इसी वजह से ऑफलाइन हुआ तो हम लोग का पेशेंट खुद मेहनत करके लाना चाहिए था, वो ठीक थे।